ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मार गया। वर्कर होगा प्रोटैगोनिस्ट। कैसे शुरू होगी कहानी, कितना चैलेंजिंग होगा प्रोटैगोनिस्ट के लिए ये सफर, क्या करता है प्रोटैगोनिस्ट। मास्टर की हिंदी रीमेक की इस कहानी की शुरुआत होगी एक ऑर्फनेज से। जी हाँ, यहाँ पे काफी सालों से रह रहे बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। इस ऑर्फनेज के मेन इंचार्ज का नाम भवानी है, जो दुनिया के सामने एक सोशल वर्कर बनता है और ऑर्फनेज के लिए जितना भी पैसा डोनेशन के नाम पे आता है सभी को वो अपने लिए खर्चा करता है। इसके अलावा भवानी बच्चों का इस्तेमाल कर रहा जगह जगह चोरी और दूसरे क्राइम्स को भी अंजाम देता है। सभी के सामने जहाँ भवानी एक अच्छा आदमी नजर आता है, वही वो अंदर ही अंदर कितना करप्ट है इस बात से हर कोई बेखबर है। बच्चों की जिंदगी उस ऑर्फनेज में बिल्कुल किसी नर्क की तरह होती है। ना उन्हें ढंग से खाना दिया जाता है और ना ही उनके करियर के बारे में किसी को पड़ी है। उनका इस्तेमाल बस एक गैंग की तरह होता है, जहां पे वो चोरी और दूसरे क्राइम कर पैसे लाते हैं और फिर उसे भवानी तक पहुंचा देते हैं, जिसके बदले में भवानी उनकी जान को बख्श देता है। वरना बहुत सारे बच्चे भवानी और उसके करतूत के खिलाफ गए थे, हालांकि उनके साथ इस ऑर्फनेज में क्या हुआ ये बात आज तक कोई नहीं जानता है। इस ऑर्फनेज को शहर से दूर एक रूरल एरिया में खोला गया था, जहां आसानी से कोई आ जा नहीं सकता था। इस ऑर्फनेज को भवानी पिछले 25 सालों से चेन्नई में रहकर ही चला रहा है और आज तक उससे पकड़ने वाला कोई नहीं आया, और जिसका मेन कारण था लोगों को इन सब के बारे में काफी कम जानकारी का होना। बच्चों के साथ वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। वहीं क्रिमिनल एक्ट करवाने के लिए भवानी हर दिन कुछ बच्चों को अपने साथ चेन्नई के मेन शहर में ले जाता है, जो ऑर्फनेज से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ पे सड़कों पे उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो आसानी से पॉकेट मार सके। इतना ही नहीं, उन बच्चों का इस्तेमाल भवानी के दुश्मनों को मारने के लिए भी किया जाता है, ताकि जब कभी पुलिस को मर्डर की खबर मिले तो सारा ध्यान उस बच्चे पे जाए जिससे ये सब कुछ करवाया गया था। ऑर्फनेज के बच्चे ना ही कहीं भाग सकते हैं, ना ही किसी को कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए डर डर कर भवानी की कही हुई बातें मान लेते हैं। वहीं इस ऑर्फनेज में सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिस वजह से माइनर होने के कारण भवानी उन्हें अपने कंट्रोल में रखे हुआ है, और जैसे ही उनमें से कोई 18 साल का हो जाता है तो उन्हें या तो खतरा समझकर मार दिया जाता है या उन्हें बिजली के झटके देकर हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज करवा दिया जाता है। इसके अलावा भवानी कुछ को अपनी टीम में भी शामिल कर लेता है और ऐसा कर उनसे पिछले 25 सालों में बहुत से बच्चों को अपनी टीम में शामिल किया है, और अब उन्हीं लोगों से बाकी के बच्चों को भवानी टॉर्चर करवाता है। वहीं सरकार की तरफ से एक नए एनजीओ वर्कर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो 6 महीनों तक भवानी के ऑर्फनेज में काम करे और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए, जिस वजह से जेडी नाम का एक एनजीओ वर्कर भवानी के ऑर्फनेज में पहुंचता है। वहीं अब देखना होगा कि आखिर किस तरह की मुसीबतों का सामना जेडी को करना पड़ेगा, क्या वो बच्चों की लाइफ सुधारने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, इसका पता हम आने वाले वक्त में ही पता लगा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज़।